दरअसल भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है कि हिंदुओं के त्यौहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने जगह जगह बैनर लगाए हैं जिस पर लिखा है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि दीपावली हर सनातनी का बड़ा त्यौहार है। श्री राम के अयोध्या आगमन पर त्यौहार मनाया जाता है और हर हिंदू के घर में दीपावली मने, इसीलिए उनसे ही सामान खरीदें। बजरंग दल के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने अपील को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में सामाजिक संगठनों से इस तरह की अपील आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन के विरुद्ध खड़े रहने वालों और बोलने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथ ही ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री समाज से जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाने के अपने संकल्प के तहत आदिवासी समाज के बीच पहुंचे। स्कूली छात्र छात्राओं सहित आदिवासी लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। उन्होंने देश के सभी मठ मंदिरों से अनुरोध किया कि वो मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला बनाए ताकि शिक्षा के साथ गायों की सेवा हो सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राओं, युवतियों और महिलाओं को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दे तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा और हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान जी के मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ बेटियों को करने की स्वतंत्रता है, कोई अपराध नहीं। सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुर्सियां भी टूट गई। दरअसल कृषि उपज मंडी में स्थित केंद्र पर खाद का वितरण किया जा रहा था और इसी दौरान किसानों में पहले खाद लेने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, एक दूसरे पर हमला करते हुए, कुर्सियां तोड़ते हुए ये सभी नजर आ रहे हैं। तो खाद वितरण केंद्र पर जो है ऐसी स्थिति निर्मित हुई। दरअसल खाद लेने की होड़ में आपस में भिड़ पड़े किसान। यहाँ जो किसान आए उनको खाद दिया जा रहा है। अपने पास 800 बोरी थी, 70 टन आया था जिसमें से 30 टन सोसाइटियों को दे दिया गया है। अपने पास 40 टन था उसमें से किसानों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ बाहर विवाद भी हुआ है किसानों का जी। तो क्या किस बात को लेकर हुआ है विवाद? तो सर कि पहले मुझे चाहिए इस वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है एक ट्रक माल आया था उसको वापस पहुंचा दिया। किस बात को लेकर वापस पहुंचाया? वो वापस नहीं गई है, वो समिति में गया है, सोसाइटियों में, बेलखेड़ी और भैंसा समिति गया। नहीं तो माल वहीं रोका जा सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अपने पास जब तक नहीं आएगा जब तक सोसाइटियों को नहीं देंगे।